भाई साहब इट्स अ हाई स्पीड रोलर कोस्टर दिस वन फोन बेनिफिट यार बेनिफिट ये बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्रेस इट्स रिवेंज अच्छा हुआ हम कैमरास नहीं लेके गए उन्होंने हमारे ट्राइपॉड ले लिया बिकॉज हमें लगा था स्लो स्लो चल रहा और स्लो स्लो से म्यूजियम की चीजें दिखाएगा अंदर जैसे फास्ट हुआ भाई वो बैग से उल्टे जा रहे थे लोग उसमें और उल्टा ये वाला ये दिखा पहले ये दिखा अब ही वांट्स अस टू गो ऑन दिस वन और इसमें मुझे पता है बहुत लंबी लाइन होने वाली है शायद मे भी देखो ये अगर आप आ रहे हो ना तो ये जरूर करो ये मैं सोचना कि बहुत गंदा है पर ये बेस्ट था मतलब बहुत अच्छा था ये वहाँ इसके एक बार लाइन पूछ रहे थे कितनी देर की अगर ज्यादा देर की होती है तो पहले लॉकर से बैग ले आते हैं फिर यहाँ के किसी लॉकर में हम ये दिमाग चलाएंगे अपना आवाज यहाँ तक आ रही है मार लग गई नहीं जाना पापा के साथ गया तो मेरे को सिक्कू भाई पापा और ये फोन वाले गिर जाएंगे ये सब हाँ तब तो लॉकर्स में रखना पड़ेगा ना तो लॉकर्स ओके लॉकर्स यहाँ है तो बाहर जाके ले लॉकर्स नहीं यहाँ पे डाल दे फोन वाले पर टाइम पूछ ले फिर बैग जाएंगे और मैं लाइन लगा लूँ तो आप सब कुछ करके लाइन लगा पता नहीं आई थिंक वहाँ पे भी कुछ है मजा आएगा फोन यहाँ अलाउड नहीं है ठीक है फोन वोन क्या मुझे लगता है अर्जे पुर्जे भी ढील हो जाएंगे अंदर के मैं इसके बाद क्या होने वाला है देखते हैं रेड वाला है इन्हें पता नहीं है कि ब्लैक वाले में उल्टा कर रहा है अरे भाई रेड वाले में ही है ऐसे बाकी और कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं है अरे मैं हूँ ना रुको जरा सबर करो आई एम स्ट्रॉन्ग मैन मैन आयरन मैन कोई नहीं चलते देख के आते हैं एक रेड को लेना है चाहे रेड लू या ब्लैक लू चलो मिलते हैं आपको सो फाइनली हमने वो डेंजरस राइड कर ली है जिससे मेरी फटी नहीं हुई मुझे तो बहुत मजा आया वो अरे मजेदार थी और वो रोलर कोस्टर था बहुत मतलब बहुत फन था अब एक और रोलर कोस्टर है उनके टाइमिंग ना 2 hours की है तो हम सोच रहे उसमें ना जाएं क्योंकि वो उल्टा होके पूरा राइड कराती है शायद हम उसमें नहीं जाएंगे अभी मैं दूसरी साईफाई सिटी करके यहाँ पर एक एरिया बनाया हुआ है उसमें साईफाई गेम्स है ये भी रोलर कोस्टर है देखो ये वाला करने आया तो हम ये वाला राइड करने आए हैं यहाँ पे सभी रोलर कोस्टर राइड्स हैं ये इजिप्ट जैसी है यू विजिट यूनिवर्सल स्टूडियो दिस राइड इज अ मस्ट ट्रांसफॉर्मर्स द राइड इज अ मस्ट हम ये दूसरी बार भी करने जाएंगे क्योंकि हमारे पास दो टिकट्स है दो टिकट्स मतलब हम दोनों के दो दो टिकट्स है मतलब 4 tickets है हमारे पास तो हम ये वाली राइड दोबारा करेंगे अभी साईफाई सिटी जरूर आना अगर यूनिवर्सल स्टूडियो आ रहे हो तो दिस इज मस्ट ट्रस्ट मी बिल्कुल अलग दुनिया में चले जाते हैं
बाकी अब हमारे किसी भी फोन में ना बैटरी नहीं बची अनफॉर्चुनेटली, तो अभी हम पहले फोन में बैटरी शायद चार्ज कर पाए तो करेंगे, वरना देखते हैं। अभी के लिए आई शुड स्विच ऑफ माय फोन, नहीं तो फोन बंद डेड हो जाएगा। बाय। यहाँ पे 6 o'clock खाना पीने की दुकानें शट हो जाती है, कैफेज बंद हो जाते हैं, एंड इवन द राइड्स ये भी बंद हो जाएंगी, आपको ये एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना करें स्टारबक्स में सोकर, चुपचाप यहाँ आए, खाना खाएं, झूला झूले और निकले बाहर। समझ में आ रही है आप लोगों को? आप कृपया यहाँ पर अपना स्टारबक्स में सोने में टाइम वेस्ट ना करें, कृपया कर लिए। अब ये अब मेरे हस्बैंड मुझे सुना रहे हैं कि हमें जो एक्सप्रेस कार्ड मिला था वो इसी वजह से मिला था क्योंकि हम लेट हुए। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि हर चीज़ में अच्छाई छुपी होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही। इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी हुई थी, वी कैन से दैट। बाकी ना तो मेरे फ़ोन में बैटरी है ना तो मेरे फ़ोन में स्टोरेज है, अब ये हर तरीके से फुल है। हमने अच्छा, आज हमारा लंच क्या था? आज हमने सुबह 12 बजे कॉफ़ी पी थी और पेस्ट्रीज खाई थी स्टारबक्स पे। अब यहाँ पर हमने 2 समोसे खाए, इन्होंने 2 समोसे खाए, मैंने 2 समोसे खाए, विच कॉस्टेड अस $12 सिंगापुर डॉलर्स, है ना? तो 2 समोसे हमें पड़े, 4 समोसे हमें पड़े $12 के। ट्यूजडे नहीं होता तो आज मैं चिकन विंग्स ट्राई करता। या सेम रेट, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट ट्राई। कोक हमारा साथी है इस ट्रिप पे, ये भी फ्री का है मैं बताना चाहूँगी। चीयर्स टू फ्री कोक। ही वॉन्ट्स टू ट्राई द ट्रांसफॉर्मर राइड जो हमने आपको बताया था। नहीं, हम दोबारा नहीं जा रहे हैं, बंद हो गई है यार, और कुछ ट्राई कर लेते हैं, बट वो नहीं करेंगे। अरे उसमें बहुत, वो बहुत फन है, एक बार ही देख लिया ना, मज़ा नहीं आया। चलो पोलर आइस, आइस वो अंदर तक देख कर आते ना। चलो हम अंदर साइफाई सिटी के अंदर जा रहे हैं। बाय। सजेस्ट यू कि आप अपना रूमिंग पैक लेकर आओ, बट सेव इट। मतलब हमारा सीन क्या है, वी आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज इन दिस वेकेशन, ठीक है? ओके, सो ये एक हिंट है कि हम इसके बाद कहीं और भी जाने वाले हैं। तो हम लोग इसमें डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें हमारा रूमिंग पैक ये है कि व्हाट इफ वो उस कंट्री में हमें ना मिले इंटरनेट। सो फ्री वाईफाई यहाँ पर है एवरीवेयर, द फ्री वाईफाई इज अवेलेबल, बट व्हाट इफ कि जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ ना हो, उसके बाद वाली डेस्टिनेशन चाहे ना हो वहाँ वाली उसके बाद ना हो। सो बेटर अगर आप एक ही कंट्री में हो तो रिचार्ज करवा लो, या फिर एक और बेस्ट ऑप्शन है टू बाय सिम कार्ड्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ मतलब योर डेस्टिनेशन ऑफ कोर्स। इफ नॉट तो सिंगापुर का तो सिस्टम यही है भाई, हर जगह वाईफाई, आपको बस थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यू हैव टू पुट, जो भी वो मांग रहे हैं जस्ट पुट इट, एंटर कर दो और आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है। बाकी और किसी कंट्री का, दुबई में आपको फ्री वाईफाई हर जगह नहीं मिलता था जब मैं गई थी, इट्स बीन एजेस नाउ, पर अब मुझे नहीं पता। बट रूमिंग पैक ले लो भाई, सही रहता है, जहाँ मर्जी यूज़ करो, जहाँ मर्जी जितना मर्जी यूज़ करो, जितना बनेंगे, हमारा तो लिमिटेड है भाई, हमारा अनलिमिटेड नहीं है, पर एक ही बच जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्री वाईफाई, तो हम अपनी डिफरेंट जो डेस्टिनेशन है वहाँ यूज़ करेंगे। तो मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब हमें एक रील शूट करनी है, उसके लिए आई हैव टू लीव। बाय। सो अब हमारा जहाँ से हमने एंट्री करी थी वहाँ से अब हमारा एग्जिट हो रहा है, बिकॉज अब यूनिवर्सल स्टूडियो इज क्लोज, एंड आई बिलीव हम फ्राइज लेने आए थे और ये भी क्लोज हो चुका, ये भी क्लोज हो चुका है। हम लगता है आज भूखे ही घर वापस जा रहे हैं, हमें कुछ खाने को नहीं मिला, बस वही समोसे खाए हमने जो 4। इट्स 6 o'clock नाउ, यो आई थिंक सो, यस अफकोर्स 7 o'clock हमारा एक शो है जिसकी टिकट्स हमारे पास, नो वी हैव टू टेक द मोनोरेल अगेन एंड गो समवेयर, आई विल व्लॉग इट।
दिस वॉज इट फॉर द यूनिवर्सल स्टूडियो गाइज, विल गेट बैक टू यू अगेन, बाय। बनिया भी लाइक यहाँ आके भी ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये घर पे फोन पे बात नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ आके भी बिजनेस ही कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं सिंगापुर की ट्रिप का भी पैसा अभी ही कमा लूंगा, जितना खर्च हो रहा है पैसा ही पैसा हो गया। तो हमारे ट्राइपॉड का ये गिर गया था कैमरे का, ये हम बिल्कुल बिगनिंग से चल के यहाँ पर आए और हमें ये मिल गया फाइन। तो इसे संभालते हुए अगर आप जैसे बाहर आते हो, ये इज सेइंग समथिंग, अगर आप जैसे बाहर आते हो यहाँ के वाईफाई भी चला सकते हो आप, जैसे हाँ, लोकल वाईफाई, जैसे वाईफाई चला रहे हो देखो ठीक है, लोकल वाईफाई भी चला सकते हो आप, सिंगापुर डाल दो कंट्री एग्री कर दो, अब देखो आपका कनेक्टेड हो गया तो रिचार्ज करो लेकिन मिनिमम। तो ये है यूनिवर्सल स्टूडियो स्टोर, हम वापस जा रहे थे जहाँ से हमने एंट्री करी थी, तो सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर कुछ है कि नहीं। वैसे मैंने एक सनस्क्रीन लिया है यहाँ से, आई विल शो यू कौन सी ली है, हीरो आओ। You can buy keychains, caps. Excuse me. Oh wow. See how much is this for? This is for 35 Singapore dollars. सनस्क्रीन और मुझे ये पड़ी है अराउंड $12 की, मैंने ये वाली। तो यहाँ से हमारा ये री मोनोरेल यही अभी हम इसमें जाएंगे, हाँ। सो यहाँ से हमारा पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो कंप्लीट होते हुए, बाय, विल मिस यू, वी लव्ड इट, मजा आया। यहाँ से बाहर निकल के विंग्स ऑफ टाइमिंग के लिए जाते हुए वहीं पे मिलते हैं टू से बीच स्टेशन, दैट्स सेंटोसा बीच ट्रेल बीच बाजार। तो हम आए हैं यहाँ पे विंग्स ऑफ टाइम के लिए, वाओ, आई फ्लाई स्काई डाइविंग, आई वुड हैव पेड $100 फॉर दिस बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता ही नहीं था एनीवन कैन फ्लाई, दैट इज व्हाट स्काई डाइविंग इज। हेलो सर, ये वीआरएल ट्रांसपोर्ट है या सेफ एक्सप्रेस? Oh, this is the laser light show on the beach. So this is the beach of Singapore. The beach है और यहाँ पे Wings of Time का show है. This is a laser light show. I don't know we are allowed to capture this or not, but if we will, then I'll capture the laser light for you. But if not, then sorry, you have to pay and come to Singapore to see this. So if you can see, oh yeah, ye isme to bahut door nazar aa raha hai boat. Aise thodi paas nazar aayegi. So this is a port. Oh, cruise. Yahan bahut sare cruises hain, ports hain, ships hain. So we can go there. Socho agar hamari cruise mein jaate hain, hum Singapore cruise mein to अब देखते हैं शायद टिकट्स मिल जाए। Now, let's start from the beginning of the song. So, 1, 2, 1, 2. Keep on loving when you're traveling. Keep on hoping. Shabazz, can't gather my thoughts. What? Who are you? Well, I am Shabazz. I've been millions and thousands of years, then. Guys, I have to go. To go back to our hotel. इसके लिए हम वापस सेम रास्ते से केबल कार स्टेशन पर जा रहे हैं, केबल कार से अपने ड्राइवर की तरफ जाएंगे और देन ही विल टेक अस टू द होटल। वी आर बैक टू होटल
अब एक बहुत बड़ी स्टोरी हो गई, हम ट्रिप पे जाए और स्टोरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे साथ स्टोरी की हमारी जो कैब, मतलब जो हमारा वो था ट्रांसपोर्ट था जिससे हमें वापस आना था, हमारी बस थी, उसकी भी स्टोरी है कि हमारी बस कैसे हुई क्या हुआ। पर जो भी था हमारा रिटर्न ट्रिप हमें खुद इंडिविजुअली करना पड़ता, बट थैंकफुली हम बच गए और हम वापस आ गए टाइम पर और हमें अपना शेयरिंग वो मिल गया व्हाटएवर। अब हम होटल रिटर्न आ चुके हैं, ये स्टोरी मैं आपको बाद में आराम से बताऊंगी और बाद मैं आपको यूनिवर्सल और सेंटोसा का भी बता दूंगी, ताकि जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, जो अभी सिंगापुर जाएंगे या जो भी प्लान करेंगे, उनको आइडिया मिल जाएगा कि हाउ यू कैन मैनेज इन सेंटोसा एंड यूनिवर्सल स्टूडियो। सो अभी मैं बहुत थकी हूँ, आई चेंज एंड आई जस्ट ईट समथिंग, मैंने कुछ खाया भी नहीं है बहुत टाइम से, तो मैं कुछ चेंज करती हूँ, खाती हूँ पीती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अभी के लिए बाय।